यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पीछे की क्लास में SST क्लास 6 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था और आपको मैंने इसके बारे में बताया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ये कह रहा है कि इम्पोर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स की कौन सी है। तो बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल, देयर आर फोर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स। पहला है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फायर। सेकेंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसमें ये बोल रहा है कि 23.5 डिग्री साउथ इन द साउथन हेमिस्फेयर। एंड थर्ड आर्कटिक सर्किल एट द 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। अंटार्कटिक सर्किल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ मैं आपको इस मैप के द्वारा समझाना चाहूँगा कि ये बोल रहा है कि ये हमारी अर्थ है। हम इसको देखते हैं कि जो अर्थ के बीचे बीच में जो ये लाइन खींची गई है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन। ये अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जहाँ नॉर्थ ऊपर वाला साइड नॉर्थ पार्ट और नीचे वाले साउथ पार्ट। 0 डिग्री लैटिट्यूड्स को हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। इससे ऊपर वाली जो ये लाइन है, ये जो खींची गई है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कैंसर लाइन कहते हैं। जो नीचे ये खींची हुई है 23.5 डिग्री, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके अलावा हम नॉर्थ में ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम आर्कटिक सर्किल कहेंगे। और ऐसे ही साउथ में 66.5 डिग्री साउथ में इनको अंटार्कटिक सर्किल कहेंगे। तो ये हमारी मेन मेन फोर लाइंस हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये आगे बोल रहा है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस द पेलेस नियर द इक्वेटर हैव वार्मर क्लाइमेट कंडीशन बिकॉज दे रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। द प्लेस विच लाई इन द पोलर रीजन हैव कोल्डर क्लाइमेट बिकॉज दे रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। ये कह रहा है कि हमारी जो ये अर्थ है, ये जो है गोल है, गोल होने की वजह से ये सन की रेज है वो ये हर जगह समान रूप से नहीं जाती, कहीं पर ज़्यादा पड़ती हैं और कहीं पर कम पड़ती हैं। तो आगे ये बोल रहे हैं ऑन द बेसिक ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द अर्थ इज द डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन, टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रीज। यहाँ ये बोल रहा है कि जो सन की जो रेज पड़ती हैं, यानी उसके हिसाब से हमने अपने अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया है। सबसे पहले टोरिड जोन, टोरिड मतलब हीट वाला जोन, उसके बाद टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन। इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो ये जो आपको मैप है अपनी नोटबुक में बनाना है, जितने भी मैंने ये हाईलाइट कर रखे हैं, ये सारे चैप्टर में जो कर रखे हैं, ये सब आपको नोट्स के रूप में उतारना है। ये आपके नोट्स हैं और इनको लर्न करना है। समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले ये बोल रहा है कि टोरिड जोन के बारे में बोल रहा है। टोरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, यानी गर्म को टोरिड कहते हैं। द जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज एज नो द टोरिड जोन इज द हॉटेस्ट जोन बिकॉज द सन इज डायरेक्टली ओवर हीट एट लास्ट वंस ड्यूरिंग द सोलर ईयर इन दिस जोन। दिस जोन एक्सपीरियंस हॉट एंड हुमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाई इन दिस जोन। ये कह रहा है कि जो अर्थ का है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्थ का जो ये वाला सामने वाला हिस्सा है, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला हिस्सा, इसको टोरिड जोन कहते हैं। ये गर्म जोन है, यानी यहाँ पे सनरेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है इसको, इसलिए टोरिड कहते हैं। और इंडिया का मोस्ट ऑफ पार्ट अर्थ के इसी हिस्से में आता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं टेम्परेट जोन, तो टेम्परेट जोन हम किसको कहेंगे, यानी जैसे जैसे सन गोल है तो सनरेज ऊपर थोड़ी सी तिरछी पड़ेंगी, ऐसे ये नीचे तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट कम हो जाएगी और हल्का सा कोल्डनेस आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ कैंसर लाइन से लेके 66.5 ऊपर आर्कटिक लाइन और 23 एंड
हाफ डिग्री साउथ कैप्रिकॉन लाइन से लेकर 26 एंड हाफ डिग्री अंटार्कटिक लाइन के बीच के एरिया को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि टेम्परेट मीन्स नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी ना गर्म ना सर्द। द टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथ। इन दिस जोन द सन इज नेवर डायरेक्टली ओवरहीट, दस द क्लाइमेट इज मॉडरेट बिकॉज ऑफ द स्लाइटिंग रेज द सन। द फोर एनुअल सीजन स्प्रिंग समर ऑटम एंड विंटर ओवर दिस एरिया, यानी कि इसी एरिया में ही गर्मी सर्दी बरसात बसंत की सारी ऋतुएं आती हैं, क्योंकि ना पे ना तो इस एरिया में ज़्यादा सर्द होता है और ना ही ये गर्म होता है। यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड हायर रीचर्स ऑफ एशिया सम प्लेस विच फैल इन नॉर्थ टेम्परेट जोन, यानी ये कह रहा है यूरोप का हिस्सा, नॉर्थ अमेरिका का और एशिया के ऊपर वाला हिस्सा इस एरिया में आता है। एंड द साउथ टेम्परेट जोन में एरिया जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग आता है, साउथ अमेरिका कुछ भाग आता है और साउथ अफ्रीका का। इसके बाद आता है फ्रिज जोन। फ्रिज जोन का आप अर्थ तो मान गए होंगे, बिल्कुल ठंडा, जैसे अपना घर का फ्रिज ठंडा रहता है ना, ऐसा अर्थ का एरिया, उसको हम फ्रिज जोन कहते हैं। फ्रिज मीन्स वेरी कोल्ड एंड फ्रीजिंग। द फ्रिज जोन कंप्रेसिव ऑफ एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउथ हेमस्फीयर। दीज रीजन आर द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ड्यू टू द एबसेंस ऑफ सनलाइट एंड द जनरली कवर्ड विद आइस एंड स्नो थ्रू आउट ऑफ ईयर। ये कह रहा है कि ये जो एरिया है अर्थ का बहुत ही ठंडा है, इसमें मोस्ट ऑफ देन हम बात करें अर्थ का, ये नॉर्थ पोल वाला एरिया और ये साउथ पोल वाला एरिया आता है। और आपको मैंने आज यहाँ तक पढ़ाया है, ये सारे आपको नोट्स अपने जो भी हाइलाइटर्स हाईलाइट के अपने नोटबुक में उतारने हैं, और ये वाला चित्र मैं और ये वाली पिक्चर दोनों अपनी नोटबुक में उतारोगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे 11 से 12 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।